हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लाया हूं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारे पास 9 इंची का एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम प्लेयर है और इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है मैं वो आपको बतलाने वाला हूँ। इसकी वायरिंग आप घर पर कैसे कर सकते हैं, कार में कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल से बतलाने वाला हूँ। ये एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम का वायरिंग है और इस वायरिंग की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये इस एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम का पावर सप्लाई है और इसमें जो तार का जो कलर दिया हुआ है, ये कौन कौन सा कलर किस किस काम में आता है मैं आपको पूरा बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये येल्लो कलर का जो वायर है दोस्तों, ये वायर, ये जो बैटरी का जो प्लस वाला जो पॉइंट होता है, ये प्लस वाले पॉइंट में ये कनेक्ट होता है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी ये बैटरी लिखा हुआ है, ये बी प्लस बैटरी लिखा हुआ है। ये दोस्तों, ये बैटरी का प्लस वाले पॉइंट में जाता है और इसमें कंटिन्यू पावर आते ही रहता है, इसमें पावर हटता नहीं है। उसके बाद दोस्तों, ये जो रेड कलर का जो वायर देख रहे हैं, ये चाबी का वायर होता है। जैसे कार में हम लोग जो चाबी को ऑन करते हैं और ऑफ़ करते हैं तो म्यूजिक सिस्टम भी ऑन ऑफ हो जाता है, ये उसके लिए है। और एक काम इसका ये है कि अगर आप ये जो एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम में कोई भी सेटिंग अगर आप करके रखे हैं और अगर ये तार सही चाबी वाले लाइन में जोड़ करके रखिएगा तो इसका कोई भी सेटिंग आपको चाबी ऑफ करने से नहीं हटेगा। और अगर ये चाबी लाइन में नहीं जोड़ते हैं और इसे आपस में ऐसी इस तरह से मिला करके जोड़ देते हैं और कार में कनेक्शन कर देते हैं तो आप चाबी काटने के बाद जो भी आप इसमें सेटिंग किए हुए हैं, ये सारा रिसेट हो जाएगा, फिर से आपको सेटिंग करना पड़ेगा। इसलिए कार में इसे अलग अलग वायरिंग करते हैं, इसमें ये बैटरी में जाता है, ये चाबी वाले लाइन में जाता है, इसी से इसका मेमोरी काम करता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और ये जो ब्लैक वाला वायर देख रहे हैं, ये तो ग्राउंड है, ये आप जान ही रहे हैं, ये आपका अर्थिंग में जाएगा। गाड़ी का जितना भी पूरा बॉडी होता है वो पूरा ग्राउंड होता है, कोई भी बॉडी में कहीं पर भी आप इस वायर को अगर कनेक्ट कर दीजिएगा तो अर्थिंग इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का वायर देख रहे हैं प्लस ILL, ये हेडलाइट से कनेक्ट होता है, इसका कोई यूज करता नहीं है जल्दी। उसके बाद ये जो ब्राउन कलर का वायर देख रहे हैं, ये देखिए इसमें बाइक लिखा हुआ है, ये कैमरा वाले, इसमें जो कैमरा इंस्टॉल होता है उसमें ये तार कनेक्ट होता है। उसके बाद ये जो पिंक वाला वायर है और ये ग्रे वाला वायर है, इसमें T2 T1 लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये स्टेयरिंग कंट्रोल का वायर है, स्टेयरिंग में जो म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो बटन दिया हुआ रहता है, ये उसी में कनेक्ट होता है, उसी से आपका एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम आपका कंट्रोल हो जाता है, स्टेयरिंग के पास जो दिया हुआ है, इसको स्टेयरिंग कंट्रोल वायर बोलते हैं। उसके बाद ये जो ब्लू वाला वायर देख रहे हैं, इसमें एंटीना लिखा हुआ है, ये एंटीना का वायर है और ये एम्पलीफायर का रिमोट का भी वायर है, इसमें रिमोट का भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। जब आप कार में एम्पलीफायर यूज़ करिएगा या फिर घर में एम्पलीफायर इंस्टॉल करिएगा तो ये वायर यूज होता है। उसके बाद ये जो 8 वायर देख रहे हैं, ये अलग अलग कलर का है, वाइट, ग्रे, हरा, पर्पल, ये जो देख रहे हैं ये आपका 8 वायर है, 8 वायर स्पीकर का वायर है। अब इसमें कौन कौन सा कलर है, जो फ्रंट है, रेयर है, लेफ्ट है, राइट है, वो मैं आपको बतला देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो हरा वाला वायर देख रहे हैं, ये वायर आपका रेयर स्पीकर का राइट साइड का वायर है, इसको आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगा। उसके बाद ये जो पर्पल वाला देख रहे हैं, ये रेयर स्पीकर का लेफ्ट साइड का वायर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ग्रे कलर का जो वायर देख रहे हैं, ये ग्रे कलर का, ये फ्रंट स्पीकर का राइट साइड का वायर है और ये फ्रंट स्पीकर का लेफ्ट साइड का वायर है। ये जो वाइट कलर का जो वायर देख रहे हैं, ये फ्रंट स्पीकर का लेफ्ट साइड का वायर है। अब दोस्तों, इसमें भी माइनस प्लस है दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप वाइट में ब्लैक लाइनिंग देख रहे हैं, ये सारे वायर में आपको एक एक वायर में लाइनिंग, ब्लैक लाइनिंग मिलेगा। ये पर्पल वाले में भी है और ये हरा वाले में भी है और ये ग्रे वाले में भी है। ये सारे वायर में एक एक ब्लैक कलर का लाइनिंग दिया हुआ है, वो सारा माइनस तार है। स्पीकर में जो दो पॉइंट होते हैं, माइनस और प्लस,
उसमें माइनस वाले में ये लाइनिंग वाला वायर जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।